शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चंद्र ताई जी, आप ही ने डॉक्टर अंकल को हमारे पास भेजा था ना, ताकि आप हमें और हमारे माँ बाबा को इस घर से निकाल सको, इसलिए आपने हमें वो झूठी रिपोर्ट दिलवाई। कौन सी रिपोर्ट? क्या बकवास कर रही हो तुम? ये रिपोर्ट जो हमें आपके कमरे से मिली। और इसमें लिखा है कि हमारी माँ बिल्कुल ठीक है और सिर्फ कमजोर ही है और कुछ नहीं। हाँ तो ये बात तो सब जानते हैं। फिर आपने डॉक्टर से हमारे पास झूठी रिपोर्ट क्यों पहुंचवाई? आपने उनसे ये भी कहलवाया कि हमारी माँ को ब्लड कैंसर है। कैंसर? और अगर हमें हमारी माँ को ठीक करना है तो हमें उनको कहीं पहाड़ों पर लेकर जाना होगा, ताजी हवा में लेकर जाना होगा। और इसलिए हम सबको बिना बताए जाना चाहते थे। हमने तैयारी भी कर ली थी, हमने सोचा था कि हम सबके सामने बुरे बन जाएंगे तो हमें इस घर से निकाल दिया जाएगा। और चंद्रा ताई जी, हम अपनी माँ के लिए बुरे भी बन सकते, हाँ बाबा, रवि सच कह रही है। भानु जी, ये झूठ बोल रही है और ये हमेशा से झूठ बोलते आई है, पूछे क्या सबूत है इनके पास? हम बाबा की कसम खाकर कहते हैं, हमने जो भी कहा है वो सच है। ये सारी कसमें झूठी हैं क्योंकि इसे इस घर में रुकना है। भानु जी, कहाँ मिलेगा इसे ये ऐशो आराम, इसीलिए झूठ बोल रही है। आप हमारी बात का विश्वास करते हैं ना, चंद्रा की बात का विश्वास करते हैं ना, है ना? ये कौन है? हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम किसकी बात माने किसकी नहीं माने। अब आप ही रास्ता दिखाइए प्रभु। छोड़ो बच्ची को, अरे छोड़ो, ये किसका? ये तो अम्मा का फोन है। आप ही को सबूत जानना था ना, रुकिए हम आपको अभी दिखाते। पीछे देखिए और आप भी देखिए। पता है कितनी मेहनत की है इस घर में अपना पैर जमाने के लिए। पहले उन भानु जी को अपने शीशे में उतारे, तब जाके सत्ता जमाए इस घर में। पहले उस केशव को बहलाया फुसलाया, कहा कि भाग कर शादी कर लो वरना वो लल्लू ला था यहाँ पे सबको मिलवाने आ रहा था। हम रोके और जैसे ही आया वैसे ही पलट गए।
वीडियो गलत है। ये वो जो बनाने वाले करते हैं ना, किसी और का चेहरा लगा देते, ये वीडियो गलत है मानू जी, ये वीडियो गलत। एक बात और भैया, हमें माफ कीजिएगा, हमने आपसे झूठ कहा था कि हम देख नहीं सकते। हम देख सकते। अरे बाप रे, हमने ये बात आपसे इसलिए छुपाई थी कि 8 साल पहले जो चंद्रा भाभी ने हमारे साथ किया, ये जानने के बाद कि हमारी आंखें वापस आ गई है, कहीं वो फिर से हमारे साथ कुछ गलत ना करते। हत्या की है तुमने, भाई भाई के रिश्ते की, तुम्हारी वजह से हमने केसर से रिश्ता तोड़ा, बाप बेटे के रिश्ते की, अपने बाप को हमने पुलिस कोठरी में डाल दिया, बिना ज्ञान जेल में बच्चे की, हत्यारे हो तुम, अपने बच्चे को पढ़ाई से दूर रखा, यहाँ तक कि हमारी अम्मा, हमारी अम्मा की हत्यारे हो तुम। तुम से बाहर निकलो। नहीं, हम आपसे बहुत प्यार करते, हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, तो माफ कर दीजिए, हम आपसे बहुत प्यार करते, हमें अपने आशियाना अलग मत कीजिए, हमारे बच्चों से अलग मत कीजिए, हम कभी कुछ नहीं करेंगे, हम सबसे माफी मांगते, हम आपसे माफी, अब कीजिए, अब हमें एक मौका हमको दे दो, माफी नहीं दे, तुमने हमारे प्यार का नोजायज फायदा उठाया, बाहर बाहर निकलो। आपने मत निकालिए, पहले इन्होंने हमारे माँ पापा के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन लेकिन हमें उसकी चिंता नहीं है, ये बंटी की भी माँ, और हम बंटी से उसकी माँ थोड़ी ना दूर कर सकते, उनको इस घर से बाहर मत निकालिए ना, उन्हें माफ कर दीजिए, भानु अंकल कि 100 झूठों में से ये एक सच है कि वो पंटी और आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती, सच्ची, इस घर से बाहर मत निकालिए ना, एक मौका दीजिए उनको, हम आपके आगे हाथ जोड़ते। तुम नहीं समझती, तुम बच्ची हो अभी, इसका प्यार अमृत नहीं जा रहे, जहर तुम बाहर निकलो, जहर तो भगवान जी को भी पीना पड़ता है ना, आप तो बड़े, आप ही चंद्रताई जी को सुधार सकते, उन्हें समझा सकते, आप ऐसे उनको इस घर से बाहर क्यों निकाल रहे, मुझे निकाली, उन्हें माफ कर दीजिए। इस बच्ची में तुमसे ज्यादा बड़प्पन है, लेकिन हम तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर इस बच्ची ने कुछ कहा है ना, तो हम इसकी बात टालेंगे भी नहीं, क्योंकि इसने इस घर के लिए सब कुछ किया, सब कुछ, ठीक है, हम तुम्हें मौका देंगे, एक आखिरी मौका, इस घर में तुम रह सकती हो, लेकिन हमारी पत्नी बन के नहीं, सिर्फ हमारे बच्चों की मां के रूप में। मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।